नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। उत्तर कोरिया और उसका तानाशाह किम जोंग, जिनकी अलग ही दुनिया है, जो अपनी अलग ही मस्त मौले अंदाज में जीते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना और ओमिक्रॉन से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ ये सनकी तानाशाह मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है। लेकिन इस बार ऐसी हरकत की है कि अमेरिका और जापान दोनों हिल गए हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को नए प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए दो रेलवे जनित मिसाइलें दागकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया के द्वारा शुक्रवार की दोपहर दो छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया था। दोनों मिसाइलें ट्रेन के माध्यम से दागी गई थी। इसके कुछ ही घंटे बाद उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नए प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने सितंबर 2021 में पहली बार किसी ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण किया था। सियोल के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि प्रक्षेपण ने 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर 430 किलोमीटर यानी 270 मील की दूरी तय की। 5 जनवरी और 11 जनवरी को हाइपरसोनिक मिसाइलों के दो सफल परीक्षणों के बाद इस महीने उत्तर कोरिया का यह तीसरा हथियार परीक्षण था। वहीं जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि उन्हें उत्तर कोरिया की इस परीक्षण का पता चल गया है और वह निश्चित रूप से एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है। जापान के तटरक्षक ने एक सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए कहा कि एक वस्तु संभवतः गिरी थी। तटरक्षक ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के साथ साथ पूर्वी चीन सागर और उत्तर प्रशांत के बीच मौजूद जहाजों से आग्रह किया कि वे आगे दी जाने वाली जानकारी पर नजर बनाए रखें। उत्तर कोरिया ने उसके परीक्षणों को लेकर देश पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन पर निशाना साधा और चेताया कि यदि अमेरिका अपने टकराव वाले रुख पर कायम रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी और स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया न तो यूएनओ की सुन रहा है और न ही शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका की। ट्रंप के राष्ट्रपति काल में तो उसने उन्हें मजबूर कर दिया था। ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात भी हुई थी। ये मुलाकात इतिहास के पन्नों में दर्ज की गई है। दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर थी। इस मीटिंग के बाद कुछ दिनों के लिए किम जोंग सुर्खियों से हट गया था, यानी हथियार परीक्षण कम कर दिया था। लेकिन एक बार फिर किम जोंग अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती देता नजर आ रहा है। किम जोंग हथियार प्रेमी है, वो भी परमाणु हथियार प्रेमी। कई परमाणु हथियार और मिसाइल परीक्षण भी कर चुका है, लेकिन किसी में भी साहस नहीं होता है कि उसके खिलाफ कुछ भी बोले। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो किसी की सुनता भी नहीं है और आए दिन अपने हथियार परीक्षणों की वजह से जापान और दक्षिण कोरिया के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।